हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। कल हमने फर्स्ट चैप्टर के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, 1, 2, 5। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने आपको इंटरनेशनल सिस्टम नंबर सिस्टम बता दिया, इंडियन नंबर सिस्टम बता दिया, कैसे सॉल्व सॉल्यूशन देने हैं। इनके अंदर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस, ये तीन ही पीरियड हमने पढ़े थे। और इंडियन सिस्टम के अंदर हमने वंस, उसके बाद में थाउजेंड, फिर लाख और फिर करोड़, ये चार पीरियड हमने पढ़े थे। अब जैसे आपको कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मेरे पास बुक अलग है, आपके पास बुक अलग होगी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस चेंज हो। तो जैसे कोई नंबर आपको दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसको हमें चेंज करना हो इंडियन सिस्टम के अंदर, तो हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 5.6 मिलियन हमारे पास एक नंबर है, इसको हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो अब 5.6 मिलियन का हमें पहले इसको चेंज कर लीजिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, लिखें कैसे इसको। अब 5.6 मिलियन है तो ये तो श्योर हो गया कि 100,000 तक तो नंबर होंगे होंगे, तो हमने नंबर लिख लिए 5 to 1 मिलियन है, 0.6 ये थाउजेंड्स के पीरियड में आएगा। तो 5 to 1 मिलियन के पीरियड में हमने लिख दिया, मिलियन के पीरियड में हमने देखा, मिलियन के पीरियड के बाद में हमारा एक कोमा है, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स और आने हैं। तो 6 है तो 6 का 6 आया, उसके बाद में कुछ भी नहीं दिया, तो हमने 5 जीरोस हमारे तरफ से ऐड नहीं की, यहाँ पे आते हैं ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इस तरह से मिलियन का पीरियड यहाँ हमने देखा, जिसके अंदर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 जीरोस है। उसके बाद में अगर 10 मिलियन होता तो कुछ और होता, 8 डिजिट हो जाते, अगर 100 मिलियन होता तो 9 डिजिट तक नंबर जाते। तो इस तरह से हमने इसको इसमें पहले मिलियन में न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा, फिर उसको चेंज किया इंडियन सिस्टम में। और इंडियन सिस्टम में चेंज करने का मतलब हमें सिर्फ कोमास की फेरबदल करनी है, और इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद में फिर बाकी के 2 कोमा लगते हैं, बाकी के कोमा लगते हैं वो 2-2 के पीरियड में लगते हैं, तो 2 के बाद में और फिर 2 के, यानी कि 56 लाख ये नंबर था एक्चुअल में, जो 5.6 मिलियन। दूसरा तरीका, इसी को करने का दूसरा तरीका, हमने देख लिया कि 1 मिलियन के बराबर 1 stands 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, यानी कि 1 मिलियन के बराबर क्या आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। तो क्या होगा, 5.6 मिलियन दिया हुआ है मेरे को, तो मैंने इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, 5.6 को मैं 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नंबर क्या आया देखो, 10, 5.6 था तो 56 पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, पॉइंट पे एक बार भूल जाइए। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है मेरे पास, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लगा दी, 56 बन गया 56 और 6 जीरो, पूरे नंबर में देखिए एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद हमारा पॉइंट आ गया। तो बाकी के अब एक के बाद पॉइंट के बाद जो जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हमने ये जीरो हटा दी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट हमारे पास थे, हमने इंडियन सिस्टम में चेंज किया, तो वापस 56 लाख ही हमारे पास बना नंबर। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आपके दिया हुआ है 12 मिलियन, तो 12 मिलियन लिखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज करूंगा, तो 12 मिलियन यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये 2 पीरियड तो कंप्लीट आएंगे, उसके बाद में 12 आएगा, तो 12 मिलियन मेरा बन गया, इसको मैं चेंज कर सकता हूं। पहला डिजिट 3 के बाद में, फिर 2 के बाद में, फिर 3 के बाद में, ये क्या बना हमारा, हमारा हो गया ये वंस का पीरियड, ये थाउजेंड का, ये लाख का, ये करोड़ का, 1 crore 20 lakh इसके बराबर है, 12 मिलियन के बराबर है। तो इस प्रकार से आप नंबर निकाल सकते हो, या सिंपल सा तरीका है, 1 मिलियन के बराबर हमारा 10 लाख होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर दिया हुआ है आपको एक नंबर, उसे हमें चेंज करना है इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है नंबर, उसको चेंज करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो देखिए मेरे सिर्फ क्या किया, नंबर को दोबारा लिखा 590 590 000 000 000 000, उसके बाद में इंडियन सिस्टम को मैंने इंटरनेशनल में चेंज करना है, तो मैंने फर्स्ट, पता है मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट कोमा 3 के बाद में, सेकंड कोमा भी 3 के बाद में, और नेक्स्ट भी कोमा 3 के बाद में होता। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ कोमा लगाया, यहाँ लगाया, तो मेरा ये पीरियड बन गया 59 मिलियन, ये वंस का होता है, ये थाउजेंड का, ये मिलियन का पीरियड है, तो 59 मिलियन 5 crore 90 lakh के बराबर था, 5 crore 90 lakh के बराबर। क्वेश्चन है कि आपके
कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना हो, कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो, लार्जेस्ट नंबर लिखना हो, स्मॉलेस्ट नंबर कितने भी डिजिट का लिखना हो, तो जैसे हम शुरू करते हैं एक डिजिट से, एक डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? जीरो को छोड़ दीजिए, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, एक डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वन है। उसके बाद में एक डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? नाइन है, वन एंड नाइन, जिसमें दोनों में वन वन डिजिट है, वन है स्मॉलेस्ट, नाइन है बिगेस्ट। फिर बात होती है टू डिजिट की, तो टू डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? टेन, और ग्रेटेस्ट क्या होगा? 99, क्योंकि इसके बाद में क्या हो जाएगा? 100, 100 शुरू हो गया तो वो कितने में डिजिट हो गए उसमें? थ्री डिजिट, तो थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 100, और थ्री डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 999। इसके बाद आएगा 1000, तो 1000 में फोर डिजिट आ गए, तो फोर डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1000, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 9999। तो उस तरीके से पैटर्न सा बनता जा रहा है। तो हमसे अगर पूछा जाए सिक्स डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो एक तो वन रहेगा, उसके बाद में फाइव जीरोज, आपका क्या बन जाएगा? सिक्स डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट लिखना हो सिक्स डिजिट का, सिक्स बार नाइन लिख दीजिए। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सेवन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर राइट करिए, तो वन, उसके बाद में सिक्स जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया सेवन डिजिट का। फिर लार्जेस्ट नंबर लिखना हो तो सेवन बार आपको नाइन लिखना है, 999, 999 और वन, सिक्स, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो, यानी कि इसको हम पढ़े तो 99,999,7 लगा दीजिए, और जब लार्जेस्ट की बात होती है तो जितने डिजिट का पूछा है उतने नाइन लिखने हैं बस आपको। फिर आता है नाइन्थ क्वेश्चन आपके, अगर कोई है तो कंपेयरिंग करना, नंबर्स की कंपेयरिंग करना, तो पहले तो पीरियड देख लीजिए, इसका पीरियड वंस कंप्लीट है, वंस इसका भी कंप्लीट है, इसका थाउजेंड कंप्लीट है, इसका भी थाउजेंड कंप्लीट है, इसका लाख वाला है तो इसका भी लाख वाला है, बराबर है, पीरियड्स में बराबर है। अब सबसे बड़ा नंबर, पहला नंबर देखिए इक्वल है, तो नंबर अभी तक हमारा इक्वल है, सेकंड पीरियड देखिए पूरा इक्वल है, तुरंत इक्वल है। फिर देखिए 465, थर्ड पीरियड में ये 65 है और ये 59 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला, तो मैं कंपेयर करके लिख सकता हूं 932465 इज ग्रेटर देन 932459। तो पहले पीरियड चेक कर सकते हैं आप, पीरियड चेक करने के बाद आप डायरेक्ट भी, जैसे भी आपको इजी लगे आप देखकर सीधा भी देख सकते हो, वन स्टैंड 100,000, 10,000 लाख, 9,32,469, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला, पढ़ के भी आप कर सकते हो। फिर आपको करने हैं मार्क द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करने हैं, तो पहले तो आप देखिए ये बन रहा है 2,34,653, ये बन रहा है 2,53,000, तो ये नंबर और ये नंबर आपस में, इसमें ये बड़ा है। फिर चलते हैं नीचे 2,43,000, तो ये इससे छोटा लेकिन इससे बड़ा है, 29,000, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो हमारे पास ओनली 1000 में आ रहा है जो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, और सबसे ग्रेटर कौन सा है? ये नहीं है, ये है 2,53,000। तो इस तरह से हम ग्रेटर नंबर और लार्जेस्ट नंबर को अलग अलग कंपेयर वाइज कर सकते हैं। तो ये आपके 6 to 10 क्वेश्चन है मेरे पास जो बुक है उसमें, अगर आपके पास कोई अलग मेथड है तो वो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।